पूर्णिया के सहायक खजांची थाना क्षेत्र अंतर्गत लाइन बाजार से एक महिला लापता है। महिला का नाम रेणु दास बताया गया, जो पति शंभुनाथ दास के साथ उत्तर दिनाजपुर से उपचार कराने पूर्णिया लाइन बाजार आई थी और उपचार के दरमियान रेणु दास लापता हो गई। इस संदर्भ में स्थानीय थाना में सनहा दर्ज कराया गया है और महिला की खोज लगातार की जा रही है। महिला पश्चिम बंगाल के गोलपोखर थाना से इलाज करवाने के लिए लाइन बाजार आई थी। क्या चीज़ का इलाज? तबीयत खराब था उनका, पैर में दर्द था और इलाज करवाने के लिए लाइन बाजार आई थी। वहाँ टेम्पू से लाइन बाजार चौक पर उतरी और वहाँ से रिश्तेदार के यहाँ, मतलब मेरे यहाँ आने के लिए वो निकली, तो रास्ता में जो है वो गायब हो गई, अभी तक मेरे यहाँ पहुँची नहीं है। मतलब कल कितने बजे की है? 4 बजे की घटना है। 1/10/2018 4 बजे की घटना। पता होता किया है चारों तरफ पता किया, बहुत जगह पता किया, सब जगह नंबर दिए, व्हाट्सएप पर भी दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं। वो अकेले थी क्या और कोई साथ में था? वो अकेले निकली थी डेरा के लिए, उनका पति वहीं लाइन बाजार में रुका। वो बोले क्या कि हम यहीं रुक रहे हैं, तुम चलो। तो वो रास्ता, मतलब कि रिश्तेदारी में आने के लिए लाइन बाजार, वो दोनों उतर गए साथ। हाँ, एक आदमी लाइन बाजार में रह गए, एक आगे घर जाने के लिए। एक आदमी घर जाने के लिए पहुँचे, घर नहीं पहुँची अभी तक। तो थाना वाना में सूचना दी है? थाना में सूचना दे चुके हैं। क्या नाम है महिला का? महिला का नाम है रेणु दास। क्या उम्र है? उम्र है 60 साल। कहाँ की रहने वाली है? रहने वाली है ग्राम सिंधो, थाना ग्वाल पोखर, दक्षिण उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल।